मैं कमरे अभी ऊपर तीन मैंने बनवाए हैं, वो दो कमरे कंप्लीट हो गए हैं, एक अपूर्ण है। चूंकि ये विद्यालय भी आप लोगों के आशीर्वाद से, जब आप लोग आए थे तो जूनियर स्तर का था और आज ये विद्यालय इंटरमीडिएट स्तर तक की मान्यता प्राप्त कर चुका है और इस क्षेत्र के छात्रों को इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दे रहा है। पलवाई के किए हैं और 20 ऑपरेशन हमने परवाल के किए हैं और 3 ऑपरेशन हमने नाखूना के। इस तरीके से ये हमारा कामयाब 26वां नेत्र शिविर है और इस नेत्र शिविर के साथ ही साथ मानवर इसकी सफलता के कुछ जो कारण हैं उनमें भी मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मानवर जिस दिन से कैंप ये लगता है हम लोग अपना घर छोड़ देंगे। 24 घंटे मुझे आप अगर 12 बजे रात में भी फोन करेंगे तो मैं आपको यहाँ हाजिर हूँ। घर के लोग परेशान रहते हैं साहब, आप घर की कोई व्यवस्था नहीं देखते हैं। मैं उनसे कह देता हूँ साहब, मेरा जो घर है मैं वहां की व्यवस्था देख रहा हूँ, आप लोग अपनी व्यवस्था देखें। और उस वजह से होता यह है कि हमारा मरीज भाई ऑपरेशन के 2 दिन तो कष्ट महसूस करता है। क्यों? ऑपरेशन के बाद में 24 घंटे उसको सीधा लेटा देता हूँ, हिलने डुलने पे भी थोड़ा प्रतिबंध लगाए रहता हूँ और 24 घंटे बाद जब मैं उसे करवट दिला देता हूँ तो वो पूर्ण रूप से कष्टों से निवृत्त पाया जाता है, मुक्त पाया जाता है और फिर वो तारीफ करना शुरू कर देता है। और इसके बाद हमने इन मरीजों को जो निर्देश दिए थे, जो हमने आपको जानकारियां दी थी कि आप यहाँ से जाने के बाद घर पे कैसे रहेंगे, क्या करेंगे और घर जाते समय आप किन किन सावधानियों का ध्यान रखेंगे, वैसे जो अभी आपको चश्मा ये लिफाफा मिल रहा है इसके अंदर एक हरा कार्ड है, उस हरे कार्ड में बीमारियां लिखी हुई हैं। आपको कोई तकलीफ होती है आप उस नंबर को ठीक कर दें, सही का एक सही का निशान लगा दें और वो कार्ड आप पोस्ट भेज दें, बाई पोस्ट वहां पहुंचेगा। हाई हॉस्पिटल से वो आपके उसी सर्जन को दिखा करके उस पर सुझाव लिखकर आपके घर भेजा जाए, व्यवस्था ये। इसके बाद भी मैं फॉलो अप करता हूँ, 17 जनवरी को नेक्स्ट जो 17 जनवरी आएगी ठीक 1 महीने बाद में आपको दोबारा यहीं पर बुलाकर उन्हीं डॉक्टर को उन्हीं कंपाउंडर को फिर दिखवाऊंगा और अगर कोई रास्ते में जाते आते आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसका मैं समाधान कराऊंगा। धुआं से बचाव करेंगे, खाने में तेल मिर्च और खटाई का परहेज करेंगे, आप यहाँ से घर जाने के बाद साबुन वगैरह का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि आप लेट के अपना सर वगैरह धोएंगे जिससे कि साबुन का पानी आपकी आंख पे न जा सके। जो इसमें एक दवा ट्यूब है और एक है डालने वाला, आपके घर में जो सबसे होशियार हो पढ़ा लिखा हो लड़का बहू बिटिया आप उससे दवा डलवाएंगे। सुबह आप पहले एक कटोरी में पानी रख लेंगे, उसको गर्म कर लेंगे, उसमें रुई या कपड़ा डाल करके जब वाश करके अच्छी तरीके से उसको कर लेंगे तब तो आप उससे आपको धुलवाएंगे और धुलवाने के बाद पहले आप ट्यूब लगाएंगे बाद में आप ड्राफ्ट डालेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। जैसे आप यहाँ पे दलिया खिचड़ी साबूदाना खाते रहे, दूध ब्रेड या साबूदाना के साथ साथ आप अगर फल खाना चाहते हैं तो जो बहुत है टाइप फल है उन्हें खाइए। आप चीकू है, केला है, संतरा है, इस तरीके के फल आप खा सकते हैं। और जो हमारे साधन संपन्न है यहाँ के व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्योंकि हमसे लोग पूछ रहे थे साहब यहाँ से जाने के बाद है मतलब घी कितना खा सकता, क्योंकि लोगों में ये होगा छोटा सा व्यक्ति जिसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि लोग गांव को तो कहते हैं देहाती मर गए। वैसे मैंने जब मैं पढ़ता था तो मुझसे एक सज्जन ने कहा कि आप देहाती मर गए, मैंने कहा चुप बैठ, देहाती मर गए मीन्स होता है डी से अगर हम कर लें तो डीएम, और डीएम माने क्या हुआ कि सर्वोच्च अधिकारी। मैं देहाती हूँ तो क्या हुआ, मैं सर्वोच्च अधिकारी हूँ और मैंने सिद्ध किया था कि अगर मैं गांव से गेहूँ न भेजूँ, अगर मैं गांव से सब्जी न भेजूँ तो ये शहर की जितनी चिकनाई है 2 दिन में गायब हो जाए। तो उन लोगों ने मेरी बात का समर्थन किया और माना कि नहीं आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तो मानवर मैं तो अपने को देहाती मानते हुए और आपकी इस कृपा का आकांक्षी रहते हुए आपसे ये निवेदन और प्रार्थना जरूर करता रहूंगा कि आपकी जो ये कृपा है ये यहाँ होती रहे और अगर इस तरीके की ये कृपा दृष्टि यहाँ होती रहेगी तो इस क्षेत्र का कल्याण निश्चित है।
आज अगर नहीं तो कल, और कल नहीं तो कब। इसी क्रम में मैं बहुत, यद्यपि मैंने समय ले लिया, लेकिन मानकर मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इतनी हमारे रोटी बंधुओं की कृपाएं हैं कि मैं अगर उनका थोड़ा थोड़ा भी नमूना आपके सामने रखूंगा तो काफी कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने इस रोटरी क्लब चौबेपुर और रोटरी क्लब ब्रह्मावर्त के सम्मानित सदस्यों का बड़ा ही आभारी हूँ, और सबसे बड़ा आभारी हूँ अपने इन मरीज भाई बहनों और माताओं। मैं इसी क्रम में आपसे क्षमा भी चाहूँगा, क्यों, मैंने ऑपरेशन के दौरान हो सकता है भावावेश में आपसे कुछ कह दिया, क्यों, उस समय इतना मानसिक रूप से परेशान होता हूँ कि आप लोग भीड़ लगाते हैं, कहीं ऑपरेशन थिएटर में झांकते हैं, कहीं आप कमरे में 10-10 लोग बैठ गए मरीज के पास, कहीं आप आए साहब हमारा मरीज साहब पट्टी करवा के इंजेक्शन लगाओ, मैं तो दूसरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम है, हो सकता है मैंने झड़क लिया हो, जैसा अभी आपने छोटा सा नमूना देखा कि हम लोग उसने भी। अब आप अपनी ही बात अगर हमसे बार बार कहेंगे तो निश्चित रूप से मुझे कष्ट होगा, क्यों, मुझे तो सबको देखना, और आप अपनी बात कहते चले जा रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हमने कहीं किसी व्यक्ति से कुछ उत्तेजना में कह दिया हो तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना ही समझ करके उसको क्षमा करेंगे, और इस विद्यालय पर जो आपकी विशेष कृपा है उसको आप बनाए रखेंगे। 17 जनवरी में अभी सभी के कार्डों पर लिखवाए दे रहा हूँ, आप 17 जनवरी को ठीक 10 बजे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे डॉक्टर वीपी सिंह जी होंगे जिन्होंने ऑपरेशन किया, उनके कंपाउंडर रणवीर सिंह जी होंगे जिन्होंने सेवा की, आपका परीक्षण करेंगे, और परीक्षण करने के बाद जो भी आपकी दवाओं का परिवर्तन होगा, जो भी आपको और तकलीफ होगी उसको देखकर उसका निदान बताएंगे, और आपको दवा लिख के मिलेगी। केवल एक चीज आप समझ लें कि उसमें मैं आपको दवा दूंगा नहीं, तो उसके लिए मैं अपने रोटरी बंधुओं से एक आग्रह और इसी क्रम में कर दूं कि अगर आप फॉलो अप की डेट में दवाएं स्वयं वितरित करवा दें तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि उसमें हमारा न तो नेत्र चिकित्सालय पर पड़ता है, ना हम लोग कुछ कर पाते हैं, केवल हम दवा लिखवाते हैं डॉक्टर को दिखा करके और मरीज को दवा लिखवा देते हैं। तो अगर आप लोगों की अनुमति मिलेगी और अगर आप लोग कहेंगे तो हम इन अपने मरीज भाइयों को जैसे आज दवा का निःशुल्क वितरण हो रहा है वैसे फॉलो अप में भी हम निःशुल्क वितरण करा सकेंगे, और इससे ये हमारे जो मरीज जो वास्तव में कुछ तो बहुत निर्धन हैं दवा नहीं ले सकते हैं, ऐसे ये मरीज उस समय भी आपसे निःशुल्क दवा पा करके अपनी इस नेत्र ज्योति को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने रोटरी चौबेपुर अध्यक्ष पद्मेश जी, क्षमा करें पाठक जी, बीच में आपका व्यवधान कर रहा हूँ, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ और आज दोनों अध्यक्षों की अनुमति से मैं रोटरी परिवार की ओर से आपको यह आश्वासन देना चाहूँगा कि कोई भी निर्धन मरीज न केवल दवा, कोई भी साधन उसको असफल ना हो, जो भी हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि हर मरीज भाई व बहन को दवा यहाँ निःशुल्क बांटी जाए। अच्छा ये होगा पहले से अगर हमको आप सूचित कर दें कि क्या क्या दवा आपको चाहिए और कितनी चाहिए, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 17 जनवरी के दिन आपको दवाओं की कमी। धन्यवाद भाई रोटेरियन श्याम कनोडिया जी, और आप ही इस आई कैम्प के चेयरमैन भी हैं, और आपने अभी उनकी उदारता का एक छोटा सा नमूना देखा, वो कितने उदार हैं, कितने विशाल हैं। इसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं अगर रोटरी में आज हूँ और अगर रोटरी में जुड़ा हूँ तो उसके लिए हमारे चार्टर्ड प्रेसिडेंट नंदू जी और श्याम कनोडिया जी ही मुख्य ऐसे दो प्रेरक व्यक्ति हैं जिनकी कृपा से आज मैं रोटरी जगत की सेवा कर रहा हूँ, रोटरी में रह करके आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने सहर्ष मुक्त कंठ से ये आप लोगों के बीच में घोषणा कर दी है, मैं दवाओं के
विषय में डॉक्टर साहब अभी आ रहे होंगे, मैं उनसे एक सूची बनवा लूँगा और सूची बनवा करके मैं आपको दे दूँगा। आपके यहाँ से दवाएं जब हमको मिल जाएंगी तो मैं 17 जनवरी को इन सारे मरीजों को दवा निःशुल्क दे दूँगा। और ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप लोगों को फॉलो अप में भी दवा मुफ्त मिलेगी। और इसी क्रम में आप एक बार ज़रा हमारे रोटरी क्लब चौबेपुर की जय बोल दें। रोटरी क्लब चौबेपुर ब्रह्मावर, रोटरी क्लब चौबेपुर ब्रह्मावर। मानवर इन हमारे मरीज भाइयों के पास खाली जेबें हैं, कुछ नहीं। अगर शायद जेबों में कुछ पड़ा होता तो वो भी आप दे देते। ये इतने गदगद हैं आपकी इन कृपाओं से, लेकिन आप कितने विशाल हैं इसका ये अनुभव अभी नहीं, 10 दिन यहाँ लेटे लेटे करते रहे। परसों जब इनको फलों का वितरण हो रहा था तो हमारे ये गांव के लोग चीकू को यही नहीं जानते थे कैसे खाया जाता। उसे दिन मास्टर साहब ने कहा, आई ये तो आप बड़ी खुद नीच चीज लगा दी हो। तो हमने कहा, दादा ये हमने नहीं, ये हमारे रोटी बंधु लाए हैं। अब वो कोई ईश्वर से कोई स्पेशल चीज तुम्हारे ले आए। तो ये बोले ये खाई कैसे गई। तो हमने कहा आप चाहे तो छील के खा लो, चाहे इसे खा लो, अमरूद के तरीके से खा लो, बीजा केवल निकाल देना। तो मानवर आप सोचें कि गांव के ऐसे लोग जिनको आप लोगों के परिवेश का ज्ञान नहीं है और आपकी कृपा का वो अनुभव कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी उनकी महानता है। और आप कितने महान हैं कि आप उन लोगों को अपना रहे हैं, उनको सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि सेवा भाव के अंदर कहीं कोई अहम की बात नहीं। आप जो भी सेवा कर रहे हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, अभी पद्मेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप अपनी आमदनी से दान को हटा देंगे, दान की व्यवस्था नहीं रखेंगे तो वो आपकी अपनी आय आय नहीं होगी, वो पाप की कमाई होगी। और पाप की कमाई से खाया गया अन्न वैसा ही मन बनाएगा, और जब मन आपका पाप से बनेगा तो आपके अंदर अच्छे संस्कार और अच्छे कार्य संभव ही नहीं। तो मानवर ये बड़ी अच्छी बात है कि दान परंपरा के तहत ये इतना बड़ा कार्य हो रहा है। हम इसके लिए आपसे पुनः एक बार आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। और इसी क्रम में जो ये हमारे इस शिविर को संपन्न कराने में हमारे इस विद्यालय के हमारे सहयोगी अध्यापकों ने, हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने, हमारे लिपिक ने और हमारी प्रबंध समिति ने जो हमारा सहयोग किया, हम उसके लिए आप सबके आभारी हैं। और आप सबकी कृपा से जो इतना बड़ा ये यज्ञ कार्य होता है, इसके लिए हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। अब हम इसी क्रम में इन तमाम अपने सहयोगी बंधुओं को हम कुछ दिला नहीं रहे हैं, मात्र केवल एक प्रतीक रूप में हम उनका सम्मान करवाएंगे और अपने गवर्नर खन्ना जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारे इन सहयोगी साथियों का उत्साह वर्धन के लिए उनको पुरस्कार देने की कृपा करें। और इसी क्रम में हम अपने सहयोगी यश के कुशवाहा से चाहेंगे कि लोग आते जाएं, आते जाइए आप लोग। फोटोग्राफर महोदय एक एक फोटो सबकी खींच लें ताकि हम इनको सबको एक एक फोटो भी दे सकें। साधु राम जी कुशवाहा, रविंद्र जी त्रिपाठी, आते जाइए। हाँ, सत्य प्रकाश जी, जल्दी से आप लोग आते जाए ताकि विलंब ना हो। अब इसी क्रम में हम अपने प्राइमरी स्टाफ को छाया मिश्रा, निशा मिश्रा, लीला जी तिवारी, जल्दी अब इसके पश्चात हम अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चंद्रवान, मैकू, विजय, नगेंद्र मिश्र, जल्दी से आप लोग लेते जाइए। विजय, छोटे लाल कुमार जो यहाँ पे पिछले 3-4 सालों से बराबर हुंडों की व्यवस्था,
जी हाँ नगेंद्र मिश्र आइए, इसे भूल गए। छोटे लाल कुम्हार और हमारा सबसे छोटा कर्मचारी है नंदलाल नंदराम, जो यहाँ का स्वच्छकार है। यहाँ ये डेढ़ टाउन का है, दो पत्नियाँ हैं और ये स्वयं अकेला है। तीन लोग मिलके पूरे नेत्र शिविर की 24 घंटे ड्यूटी करता है। हमारे कंपाउंडर जी जिन्होंने बहुत सेवा की है यहाँ लेकर 10 दिन, उनको भी हम सम्मानित कराना चाहेंगे। रणवीर सिंह जी आइए। यस के के जहाँ भी हो आ जाए आप, रणवीर सिंह जी साहब खड़े सर। अब इसके बाद मैं मरीजों को नाम लेता हूँ। भगवान इटावा के हैं, भगवान सविता, वो या उनका नाती आगे ले ले, अनंत माधव ये मनो के हैं, अमरवती ये भी इटावा की हैं। ये हमारे कुछ निर्धन मरीज हैं जिनको हमने देखा कि ये वास्तव में तकलीफ में है, उनकी सूची है। शहीदादे सिंह सरसौल के हैं, मिश्री लाल अवस्थी ये राजा रामपुर के हैं, ये इटावा की महिला है, आप दीजिए। राजा राम अवस्थी ये मिश्री लाल अवस्थी ये राजा रामपुर के हैं। लल्लू बूढ़नपुर सरैया के हैं मथुरा जी, और अमिलिया के चेतराम वर्मा। जल्दी आप लोग आते रहे। जल्दी से आप लोग आइए। शिव कुमार जी कुशवाहा जरा हमसे संपर्क कर लें। अरे धीरे से बाबा, धक्का नहीं मारो, बैठे रहो अभी। हाँ इसके बाद मैं कुछ अब इसी क्रम में हमारे कुछ अन्य जो साथी नहीं हैं उनको मैं बाद में पुरस्कार दे दूंगा। अब चश्मे का वितरण। हाँ परमादरणीय आज के महोत्सव के मुख्य अतिथि महोदय, रोटरी क्लब चौबेपुर व रोटरी क्लब धर्मावर के अध्यक्ष महोदय, उनके सहयोगी सदस्यगण, माताओं बहनों तथा हम लोगों के उनके प्रति आदर और प्रेम का प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि ये उसको अवश्य संभाल कर रखें। मैं पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि अगर हमने दोनों प्रोजेक्टर की ओर से इस विद्यालय के प्रबंधक माननीय अवस्थी जी को देना चाहेंगे, तो उनके अनुमति और सहयोग के बिना हम लोग उनके साथ आए हुए सहयोगी सदस्यगण, दूर दराज से आए हुए मरीज भाइयों तथा उनके पारिवारिक सदस्यगण, सहयोगी माताओं और बहनों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज ये हमारे विद्यालय में चलने वाला 26वां नेत्र शिविर सक्षम समापन की ओर जा रहा है, और हमारे विद्यालय में के सभी सदस्यों ने, प्रबंध समिति के सदस्यों ने, शिक्षक बंधुओं ने, जैसे भी बन पाया टूटी फूटी आप लोगों की सेवा की है। हो सकता है इसमें कुछ कमियां रह गई हों, हम विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से, अपनी ओर से, अपने शिक्षकों की ओर से आपसे क्षमा चाहते हैं, और आशा करते हैं कि इसी प्रकार
जैसे 36 सालों से आप लोग हम पर कृपा बनाए रखे आए हैं, इसी प्रकार आगे भी बनाए रखेंगे। एक बार पुनः हम अपने रोटेशन बंधुओं को का आभार व्यक्त करते हैं तथा उनसे भी निवेदन करते हैं कि जैसे आप लोग अपने अपूर्ण समय से कुछ क्षण निकाल करके हम लोगों को दे करके और हमारे ग्रामीण भाइयों का एक इन इतने बड़े कष्ट का निवारण करते हैं, इसी प्रकार करते रहेंगे और आगे भी हमें इसी प्रकार सेवा का अवसर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अवस्थी जी। प्रधानाचार्य जी ने बार बार एक बात पर प्रहार किया कि वो देहाती। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संसार के शीर्ष स्थानों पर चाहे वो ऋषि परंपरा में रहा हो और चाहे प्रशासनिक परंपरा में रहा हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में रहा हो और चाहे नोबेल पुरस्कार की परंपरा में रहा हो, ये सारे सम्मान देहात के ही लोगों से मिला, क्योंकि वो घूम अभी भी प्रदूषण रहे थे और जो प्रदूषण रहे थे वो मन और हृदय से दोनों से ही स्वच्छ हैं, इसलिए वो मुझसे अधिक बोझ और प्रशंसनीय हैं। हम सभी कहीं न कहीं से देहात से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए संपूर्ण भारत कहीं न कहीं संपूर्ण रूप से देहाती ही है, इसको आप अपने से अलग मत समझें। मैं धन्यवाद के लिए दोनों क्लब की ओर से डॉक्टर आर के निगम को आमंत्रित करता हूँ कि रोटरी बोर्ड से उनको धन्यवाद दें। भाई डॉक्टर आर के निगम। अध्यक्ष रमेश जी, रोटरी क्लब ब्रह्मावर्त के अध्यक्ष कक्कड़ जी, दोनों क्लबों के आए हुए रोटेरियन बंधु, आदर्श माध्यमिक विद्यालय शिक्षा समिति के संयोजक, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, संस्थापक, इस क्षेत्र के समस्त सम्मानित अतिथिगण, समस्त लोग जिनके ऑपरेशन हुए हैं, उनके आए हुए साथियों, सम्मानित सदस्यों, आगंतुक और भद्र महिलाएं और साथियों, मैं पद्मेश जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि दोनों रोटरी क्लबों की ओर से हम समस्त लोगों का और विशेष रूप से मुकद्दत महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करूं। आभार व्यक्त करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अरुण भाई ने अपने संक्षिप्त भाषण में जिन विचारों को और जिस विशेष परंपरा को निभाने के लिए हम सब लोगों का आह्वान किया है, वो अपने में एक बहुत सुंदर बात है। मैं उनको दोनों क्लबों की ओर से यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हर स्तर पर हमारा उद्देश्य रहेगा कि उनके मंडलाध्यक्ष के कार्यकाल में इन दोनों क्लबों के माध्यम से जो भी सेवा के कार्य हो वो श्रेष्ठ कार्य हो और उसके लिए उनका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणादायक होगा और प्रेरणा का स्वरूप होगा। जतों के साथ मैं AIR से आई हुई समस्त कर्मचारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का जो है वो आकलन किया है, और आप लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि कल परिक्रमा के अंतर्गत आप ऑल इंडिया रेडियो से इस समस्त कार्यक्रम का प्रसारण सुन सकेंगे। ये लगभग शाम को 6:30 बजे प्रसारण होता है और प्रत्येक सोमवार को ये इसका प्रसारण किया जाता है और इंडिया रेडियो 5 को। अब वो उसकी तो मजबूरी है, लेकिन ये है कि उसकी
लेकर के रणवीर सिंह और उनके समस्त सहयोगियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके बिना अथक परिश्रम के ये हमारा जो है शिविर संपन्न नहीं हो सकता था। जितने भी तृतीय श्रेणी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको भी हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिना उनकी सेवा के ये कैंप सफल नहीं हो सकता। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं अधिक समय न लेता हुए पुनः अपने मुख्यमंत्री को दोनों क्लबों की ओर से आभार प्रदर्शन करते हुए आश्वासन देते हुए कि सेवा के समस्त कार्यों के अंतर्गत हम जो है इस मंडल के अंदर उनके कार्यकाल में उत्कृष्ट कार्य करने का प्रोत्साहन जो उन्होंने दिया है करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर बीपी सिंह आ गए हैं। अब आ रहे हैं, अब आप दो बजे हैं यहाँ। 20 मिनट से 6:55 के अंतर्गत डॉक्टर साहब जल्दी दिखाओ, आप खड़ा करके दिखाओ। अभी डॉक्टर साहब एक बार सब देख ना, ये देख जा।